हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हरीश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम लाइव पर। दोस्तों, आज की क्लास जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो रीजनिंग विषय की होने वाली है। आप सभी को मालूम है कि रीजनिंग विषय प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। अगर हम एग्जाम की बात करें तो SSC, MTS, रेलवे, बैंकिंग, इन सभी परीक्षाओं के अलावा पात्रता परीक्षा जैसे BSTC, PTET ऐसी एग्जामों में रीजनिंग विषय से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी विद्यार्थियों से पूछे जाते हैं। आइए दोस्तों, इसी सब्जेक्ट की चर्चा करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। इसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिस पे आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे, टॉपिक का नाम है आपका काउंटिंग ऑफ फिगर। काउंटिंग ऑफ फिगर की हम बात करें तो दोस्तों, आप सभी को जो भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और जो कुछ नए स्टूडेंट जो अभी हमसे जुड़े हैं या जिन्होंने अभी प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत की है, तो उनको मैं बता दूं, अभी BSTC, PTET ऐसे कुछ एग्जाम पात्रता परीक्षाएं होने वाली हैं, एंट्रेंस एग्जाम होने वाली है। इनके अंदर भी रीजनिंग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं उनमें तो पूछे जाते ही हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है। काउंटिंग ऑफ फिगर की अब बात करें तो इसके अंदर जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें क्या होता है, एक्चुअली आपको कुछ आकृतियां दी जाती हैं और आकृतियां देकर के एग्जामिनर के द्वारा आपसे पूछा जाता है कि दी गई आकृति में कितने वर्ग हो सकते हैं, कितने आयत हो सकते हैं और कितने त्रिभुज हो सकते हैं। ऐसे प्रश्न आपसे अक्सर एग्जामिनर के द्वारा पूछे जाते हैं, तो हम चर्चा कर लेते हैं। आइएगा, शुरू करते हैं। इसके अंदर हम जो पढ़ने वाले हैं, टॉपिक मैंने बता दिया आपको काउंटिंग ऑफ फिगर। इसमें जो एग्जामिनर के द्वारा आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो तीन टॉपिकों से संबंधित पूछे जाते हैं। वर्गों की संख्या ज्ञात करना, दूसरा आपसे पूछा जा सकता है आयतों की संख्या ज्ञात करना, तीसरा आपसे पूछा जा सकता है त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। देखिएगा, अब वन बाय वन हम इन टॉपिकों पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हम टॉपिक लेते हैं वो लेते हैं, जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो होगा वर्गों की संख्या ज्ञात करना। वर्गों की संख्या ज्ञात करना। तो देखिएगा, हम किस तरीके से वर्गों की संख्या ज्ञात करते हैं दी गई आकृति में, जो कि एग्जामिनर के द्वारा क्वेश्चन पेपर में हमको क्वेश्चन दिए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे आज की क्लास में वर्ग। वर्ग क्या होता है? अगर हम वर्ग की बात करें तो वर्ग को इंग्लिश में हम स्क्वायर बोलते हैं। वर्ग की अगर हम बात करें तो आपने मैथ के अंदर भी पढ़ा होगा, क्षेत्र क्षेत्रमिति के अंदर आपने बहुत सारी स्ट्रक्चर्स आकृतियां पढ़ी होंगी। जैसे हम बात करें तो आयत है, वर्ग है, त्रिभुज है, ठीक है, चतुर्भुज है, इसके अलावा घन, घला, घनाभ है, इस तरह की बहुत सारी आकृतियां। लेकिन हम बात करते हैं वर्ग की, तो दोस्तों वर्ग एक ऐसी संरचना होती है जिसकी फर्स्टली तो चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। पहला पॉइंट होता है इसका कि ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो। और दूसरा जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है दोस्तों कि जो भी दो भुजाएं जहां पर भी इंटरसेक्ट करती हैं या आपस में मिलती हैं, वहां पर दोनों भुजाओं के द्वारा जो कोण बनता है वो प्रत्येक, इसमें चारों कोणों पर जो कोण बनते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। तो ऐसी आकृति जिसके प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री के
होते हैं। ऐसी आकृति को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? ऐसी आकृति को हम वर्ग बोलते हैं। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद में अगर हम थोड़ा सा समझें तो थोड़ा सा मैं आपको दो तीन चीजें और क्लियर करवाऊंगा। देखिएगा, जब अगर आपका बचपन सामान्य गुजरा हो तो आपने बचपन में जब भी गिनती या पहाड़े सीखे होंगे तो आपने इस तरह की एक कॉपी यूज की होगी। अक्सर सामान्यतः सभी विद्यार्थियों ने ऐसी कॉपी यूज की होगी। इसके अंदर अगर हम बात करें तो एक ऐसी सीधी लाइन होती है जो कि दाईं तरफ से लेकर बाईं तरफ की ओर जाती है। इस लाइन को हम बोलते हैं पंक्ति। क्या बोलते हैं दोस्तों? इस लाइन को हम पंक्ति बोलते हैं। इंग्लिश में हम इसको रो बोलते हैं। और इसी लाइन में, जिस लाइन में ये पंक्ति बनी हुई होती है, इसको हम अगर डीपली बात करें तो हम बोलते हैं हॉरिजेंटल लाइन। हॉरिजेंटल लाइन बोलते हैं इसको। हम हिंदी में बात करें तो क्षैतिज रेखा। क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा या क्षैतिज लाइन भी बोल सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें ऊपर से लेके नीचे की तरफ जो एक लाइन जाती है आपकी, इसको हम बोलते हैं कॉलम। क्या बोलते हैं? कॉलम। इसको इंग्लिश में भी हम कॉलम बोलते हैं। और इसकी डीपली थोड़ी हम बात करें तो इसको हम बोलते हैं वर्टिकल, वर्टिकल लाइन। इसको हिंदी में बोलते हैं हम ऊर्ध्वाधर, रेखा। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था। ये दो तीन चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि पंक्ति क्या होती है, कॉलम क्या होता है। ठीक है, बार बार आपके ये टर्मिनोलॉजी है जो यूज आएगी। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बता दिया हॉरिजेंटल लाइन क्या होती है और वर्टिकल लाइन क्या होती है। इसके अलावा अगर आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी हो 9th 10th 11th में, तो आपको मालूम होगा जो क्षैतिज लाइन होती है एक्स लाइन, इसको हम बोलते हैं आपका कौन सा एक्सिस, क्षैतिज एक्सिस या हॉरिजेंटल एक्सिस। और जो ऊर्ध्वाधर लाइन होती है आपकी वाई लाइन, इसको हम बोलते हैं वर्टिकल एक्सिस बोलते हैं। तो ये चीज आपको पहले से मालूम होगी, लेकिन फिर भी मैंने एक बार आपको रिवाइज करवा दी है। अब देखिएगा, मैं बात करता हूं आपसे। हमने बात कर ली कि स्क्वायर क्या होता है, वर्ग क्या होता है। ठीक है, अब एग्जामिनर आपको किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है और हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको पहले स्टार्ट करता हूं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके जो मेथड होते हैं, एक तो जनरल मेथड होता है जिसको हम मैन्युअली भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हो, अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग का हिंदी में सामान्य अर्थ होता है सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति परीक्षण। तो इसके अंदर जितने भी हम क्वेश्चन होते हैं उनको सामान्य हमारे माइंड की कैपेबिलिटी के अनुसार भी हम सोल्व कर सकते हैं। तो जो माइंड की जो क्षमता है उसके अनुसार क्वेश्चन को सोल्व करना, यही कहलाता है मैन्युअली प्रोसेस। ठीक है, कि हमारी सिंपल सी जो जनरल मेथड होता है उसके द्वारा क्वेश्चन को सोल्व करना, ये कहलाता है आपका मैनुअल तरीका। लेकिन अगर हम बात करें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एग्जाम में हम चाहते हैं कि हमारा समय ज्यादा खर्च ना हो और कम समय में हम अधिक से अधिक क्वेश्चन कर सकें। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि हम स्पेशली ट्रिक के द्वारा क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। और आज की क्लास में हम वही स्पेशली ट्रिक सीखने वाले हैं। तो आइएगा, कुछ क्वेश्चनों में हम लोग आपको, सभी स्टूडेंट को, सभी विद्यार्थियों को दोनों तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। आपको मैन्युअली तरीका भी बताया जाएगा और आपको ट्रिक के द्वारा भी समझाया जाएगा। ठीक है, बट अगर ऐसा प्रत्येक क्वेश्चन के साथ में अगर हम करेंगे तो पॉसिबल नहीं है। कुछ फैकल्टी हवाबाजी के लिए ऐसा करती हैं। ठीक है, अपना अपना तरीका है पॉपुलर होने का। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा, क्वेश्चन नंबर एक की अगर हम बात करें तो आपको क्वेश्चन एग्जामिनर के द्वारा दिया जा सकता है कि दी गई आकृति में कुल वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेगा और नीचे आपको स्पेशली जो शेप है, आकृति है, वो दे दी जाएगी। एक जनरल सी हम सामान्य सी आकृति लेते हैं इस तरह की। इसके अंदर हम दोनों मेथड से हम पता करेंगे कितने कितने वर्ग हैं। तो दोस्तों देखिएगा, हम सबसे पहले जो
जनरल मेथड होता है, हम उसके द्वारा देख लेते हैं और फिर मैं आपको समझाऊंगा स्पेशली ट्रिक। अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रश्न आता है तो आप ट्रिक के द्वारा आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन हो। ठीक है, अब तक की जितनी भी एग्जाम हुई है आप उससे उठा करके ट्राई कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन लेकर के आप देख सकते हो। लगभग लगभग 90% क्वेश्चन आप इस ट्रिक के द्वारा सॉल्व कर पाओगे। 10% की अगर हम बात करें तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको मैन्युअली वे में ही सॉल्व करने पड़ेंगे। आइएगा देखते हैं, हम सबसे पहले हम जनरल मेथड है मैनुअल तरीके से देखते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि सबसे पहले ये आपको एक छोटा सा ब्लॉक दिखाई दे रहा है, ये आपका क्या है एक, इसकी देखिएगा आप चारों भुजाएं आपको दिखाई देंगी, चारों भुजाएं इसकी बराबर हैं। तो जब भी चारों भुजाएं बराबर और प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का हो तो वो आपका क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। तो ये हो गया आपका एक वर्ग, ऐसे ही ये हो जाएगा सिमिलरली दूसरा वर्ग, ये हो जाएगा आपका तीसरा वर्ग और ये हो जाएगा आपका चौथा वर्ग। इसके अलावा आप देख पा रहे होंगे तो चार वर्ग तो हमारे ये हो गए। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसके अलावा अगर बात करें तो एक स्ट्रक्चर और आपको दिखाई दे रहा होगा, ऑल ओवर शेप की हम बात करें तो इसको आप देख पा रहे होंगे दो वर्ग इसके क्या हैं, दो वर्ग एक और दो, ये आपकी हॉरिजेंटली लाइन और ये आपकी वर्टिकली लाइन। तो वर्टिकली लाइन पे भी दो वर्ग हैं और हॉरिजेंटली पे भी दो वर्ग हैं, तो दोनों डायरेक्शन में क्या है कि समान समान क्या है, समान रेखाएं हैं। और जब भी चारों रेखाएं समान होती है तो वो आपका क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। तो हमारा दूसरा वर्ग हो जाएगा ये, और चार और एक पांच, चार और एक कितना होता है ऑल ओवर पांच, तो यहां पर जो वर्गों की संख्या हो जाएगी वो फाइनली इस आकृति के अंदर पांच वर्ग होंगे। अब दोस्तों हम बात करते हैं ट्रिक की। ट्रिक आपकी जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे सभी पे अप्लाई होगी। अब ट्रिक को आप ध्यान से समझिएगा, देखिएगा क्वेश्चन, देखिएगा आपका क्वेश्चन है आपका ये, सेम क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन था अभी जब मैन्युअली किया था हमने। अब हम क्या करते हैं इसके लिए, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम नंबरिंग करते हैं। जो टर्म मैंने सिखाई थी वो यहीं पे काम आने वाली है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, नंबरिंग। अब नंबरिंग हम किस तरीके से करते हैं देखिएगा, तो सबसे पहले हम नंबरिंग करते हैं कि हमारे पास में हम जो क्षैतिज दिशा है हमारी, क्षैतिज दिशा के अंदर जितने भी हमारे पास में आकृति बनी हुई है उन सभी की हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो हमारी क्षैतिज दिशा ये होती है बाईं तरफ से दाईं ओर की जो डायरेक्शन होती है, या अगर हम बात करें तो जो हमारी पंक्ति की दिशा होती है वही हमारी क्षैतिज होती है। तो हम इसमें बात करेंगे तो मार्किंग कर लेंगे वन और टू। दूसरी हम अगर बात करें तो दूसरी हम मार्किंग करेंगे आपकी किसमें, ऊर्ध्वाधर दिशा में। ऊर्ध्वाधर दिशा आपकी कौन सी होती है, ऊपर से लेके नीचे की ओर की जो डायरेक्शन होती है वो होती है आपकी ऊर्ध्वाधर दिशा। तो ऊर्ध्वाधर दिशा में भी हम नंबरिंग करेंगे वन और टू। फाइनली अब हमारी नंबरिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, नंबरिंग करने के बाद में जो बड़ी से बड़ी संख्या है हमारी, बड़ी से बड़ी नंबर है हमारी, या बड़े से बड़ा नंबर है, हम उस नंबर को लेंगे। तो देखिएगा क्षैतिज लाइन में हमारे पास में बड़े से बड़ा नंबर क्या है, टू, और ऊर्ध्वाधर लाइन में भी हमारे पास में बड़े से बड़े नंबर क्या है, दो। इन दोनों को हम क्या करते हैं, आपस में गुणा करते हैं। तो दोनों को हमने आपस में गुणा किया और ये गुणे के प्रोसेस को तब तक करते हैं तब तक कि इनमें से एक एक कम करके फाइनली वन ना बच जाए। अब देखिएगा कैसे, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, दो में से हम एक कम करेंगे एक आएगा, इधर भी हम दो में से एक कम करेंगे हमारे पास में एक आएगा, और एक कर एक को मल्टीप्लाई करेंगे एक आएगा। ठीक है, तो हमारे पास में फाइनली तब तक एक ना बच जाए तब तक क्या करते हैं, हम एक एक कम करके और रो और कॉलम, यानी कि ऊर्ध्वाधर डायरेक्शन दिशा में जितनी भी नंबरिंग की है उतनी संख्या को, और क्षैतिज दिशा में जितनी नंबरिंग करी है उतनी संख्या को
वन बाई वन कम करते हुए एक तक तब तक ना जाए तब तक हम गुणा करते रहेंगे, और जो हमारे पास में रिजल्ट आएगा उस सभी रिजल्ट को हम क्या कर देंगे, परिणाम जो हमारे पास में रिजल्ट आता है उसको ऐड कर देंगे। फाइनली दोनों रिजल्टों को ऐड करने पर हमारे पास में क्या आता है, 5 आता है, और 5 इज हमारा क्या होता है, राइट आंसर होगा। तो दोस्तों जिनकी माइंड की सीमाओं का उल्लंघन हो गया वो फिर से देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, वो देखिएगा थोड़ा सा। हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, दूसरे क्वेश्चन जिनके अभी समझ में नहीं आया थोड़ा बहुत, उनको अभी दूसरे क्वेश्चन में समझ में आएगा, देखिएगा। हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर टू में आप देखिएगा, आपको परीक्षा एग्जामिनर के द्वारा पेपर के अंदर इस तरह की आकृति दे दी जाएगी। इस आकृति में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं नंबरिंग। नंबरिंग कैसे करते हैं, नंबरिंग हम ऊर्ध्वाधर डायरेक्शन में और क्षैतिज डायरेक्शन में करते हैं। क्षैतिज डायरेक्शन में अगर हम नंबरिंग करेंगे तो देखिएगा 1, 2, 3, और ऊर्ध्वाधर दिशा में अगर हम नंबरिंग करेंगे तो देखिएगा 1, 2 और 3, ये नंबरिंग हमने कर दी है। दूसरा प्रोसेस हम करते हैं, जो नंबरिंग करने के बाद में जो हमारा बड़े से बड़ा नंबर होता है नंबरिंग का, उसको हम लेकर के क्या करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जो नंबरिंग हमने ऊर्ध्वाधर दिशा में करी थी उसका बड़े से बड़ा नंबर, और जो नंबरिंग हमने क्षैतिज दिशा में करी थी उसके बड़े से बड़ा नंबर। तो हमने ले लिया 3, और ऊर्ध्वाधर दिशा का 3 और क्षैतिज दिशा का 3, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास में रिजल्ट आता है 9। अब हम क्या करते हैं, जो ये बड़े से बड़ा नंबर था इसमें से 1 बाई 1 दोनों में से हम क्या करेंगे, एक एक घटाते जाएंगे तब तक कि एक ना बच जाए, तब तक हम गुणा करेंगे। देखिए एक कम करेंगे तो हमारे पास में 2, और इधर भी हम एक कम करेंगे तो 2, दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 4। इसके बाद में हम फिर से इसमें से एक कम करेंगे तो अब फाइनली हमारे पास में क्या आ गया, 1, और इधर भी एक कम करेंगे तो ये आ गया हमारे पास में 1, 1 और 1 को गुणा करेंगे तो 1। इन सबको जोड़ देंगे तो आप देख पा रहे होंगे हमारे पास में 14 रिजल्ट आया, और 14 ही क्या होंगे, इस दी गई आकृति में हमारे पास में वर्ग होंगे। देखिएगा अगर हम मैन्युअली चेक करना चाहें तो देखिएगा हम मैन्युअली भी चेक कर सकते हैं। मैन्युअली चेक करने में क्या होता है दोस्तों, समय खराब हो जाता है हमारा, इसलिए देखिएगा मैन्युअली चेक करते हैं हम। इस शेप में देखिएगा अगर हम देख पा रहे हैं तो ये देखिएगा, ये हमारा 1 वर्ग, ये हमारा दूसरा वर्ग, ये हमारा तीसरा वर्ग, 3 हो गए, 1, 2, 3। तो इसी तरीके से अगर हम देखें 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो ये हो गए हमारे 9 वर्ग, ठीक है। अब इसके बाद में अगर आपको दिख रहा हो तो आप ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा आप। अगर हम इधर से देखें तो ये देखिएगा ऊर्ध्वाधर वे में देखें तो 1 और 1 2 वर्ग, और इधर भी अगर हम देखें तो ये 2 वर्ग, इन 200 मिलकर के ये क्या बन रहा है, एक कंप्लीट वर्ग बन रहा है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट अगर इधर देखें तो ये एक दूसरा वर्ग बन रहा है, और इसी तरीके से अगर हम यहां पर देखें तो ये हमारा एक तीसरा वर्ग बन गया, और इसी तरीके से अगर हम यहां पर देखें तो ये हमारा कौन सा बन गया, ये बन गया हमारा चौथा वर्ग। तो ये हो गया हमारा फाइनली 1, ये हो गया हमारा दूसरा, ये हो गया हमारा तीसरा, ये हो गया हमारा चौथा, ये दो दो के पेयर से बने तो 4 वर्ग हमारे हो गए। ये अभी देखें तो हम काउंट करें, 9 और 4 कितने हो गए हमारे पास में, 13, ठीक है दोस्तों। अब अगर हम बात करें तो आपको इसके अंदर दिखाई दे रहा होगा, तो आप ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर फाइनली अगर हम आउटर की बात करें तो आउटर पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिएगा आउटर पे अगर देखें तो क्षैतिज रूप से 1, 2, 3 अभी 3 ब्लॉक मिलकर के एक लाइन बना रहे, और ऊर्ध्वाधर तरीके से भी देखें तो 3 ब्लॉक मिलकर के 1, 2, 3 एक लाइन बना रहे। तो 3 3 ब्लॉक से ये जो सभी लाइन है ये क्या है, आपस में बराबर है, तो इनसे भी मिलकर के क्या बनता है, एक आपका वर्ग का निर्माण होता है। तो फाइनली अगर हम काउंट करें तो 9, 4 और 1 को, तो फाइनली अगर हम देखें तो आपके पास में कितने, 14 वर्ग होते हैं। और आप देख सकते हैं अभी जस्ट हमने ट्रिक के द्वारा अभी जस्ट हमने सोल्व किया था, तब भी हमारा राइट आंसर आया था 14, और अभी भी मैन्युअली भी हमारे सोल्व करने पर राइट आंसर आया 14। तो इस तरीके से हम सोल्व कर पाएंगे।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एग्जामिनर के द्वारा आपसे किस तरह के और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, अभी तक कुछ स्टूडेंट के मन में ऐसा विचार आ रहा होगा कि सर अभी जितने भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं उनमें ऊर्ध्वाधर जितने भी ब्लॉक हैं वो भी बराबर है और क्षैतिज जो ब्लॉक है वो भी बराबर है, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। किसी क्वेश्चन के अंदर आपको ऊर्ध्वाधर ज्यादा ब्लॉक भी मिल सकते हैं, क्षैतिज ब्लॉक कम मिल सकते हैं, और किसी क्वेश्चन में क्षैतिज ब्लॉक आपको ज्यादा मिल सकते हैं, ऊर्ध्वाधर ब्लॉक आपको कम मिल सकते हैं। देखिएगा एक क्वेश्चन ये लेते हैं हम, इसके अंदर आप देखिएगा क्षैतिज ब्लॉकों की संख्या देखिएगा और ऊर्ध्वाधर ब्लॉकों की संख्या देखिएगा। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये हमारी आकृति है, इस आकृति में सबसे पहले हम क्या करते हैं, नंबरिंग। तो जब भी नंबरिंग करेंगे तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऊर्ध्वाधर नंबरिंग करेंगे और फिर करेंगे हम हॉरिजेंटल नंबरिंग। तो ऊर्ध्वाधर की बात करें तो 1, 2, 3, अब हम क्षैतिज की बात करते हैं तो 1, 2, 3, 4। तो अब इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे क्षैतिज ब्लॉक आपके ज्यादा है और ऊर्ध्वाधर ब्लॉक कम है, तो आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा है और घबराने वाली कोई बात नहीं है, आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है। प्रोसेस क्या रहेगा कि आप बड़े से बड़े नंबर वो लोगे जो इसके ऊर्ध्वाधर में ब्लॉकों की संख्या है। तो ऊर्ध्वाधर ब्लॉकों में बड़े से बड़ा, सॉरी क्षैतिज डायरेक्शन में बड़े से बड़ा ब्लॉक क्या है हमारा, 4, और ऊर्ध्वाधर डायरेक्शन में हमारा बड़े से बड़ा ब्लॉक क्या है, 3। दोनों को क्या करते हैं हम आपस में गुणा करेंगे तो 12 आएगा। अब हम क्या करते हैं कि इनमें से एक एक घटाते हुए आपस में गुणा करते हैं ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज को, तब तक करते हैं जब तक कि किसी में भी एक ना आ जाए। तो देखिएगा 4 में से अगर एक कम करेंगे तो 3, और इधर 3 में से एक कम करेंगे तो 2, फाइनली हमारा रिजल्ट आएगा 6। इधर हम 3 में से अब एक कम करेंगे फिर से तो 2, 2 में से हम एक कम करेंगे तो क्या आएगा, 1, अभी रिजल्ट आएगा हमारा 2। अगर हम आगे भी करके देखते हैं तो 2 में से एक कम करते हैं तो 1, और 1 में से एक कम करते हैं तो 0, और हमारा रिजल्ट आएगा 0। तो आप देख पा रहे हैं रिजल्ट जब 0 आ रहा है तो हम इस प्रोसेस को हमको करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसीलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूं कब तक करते हैं, जब तक कि किसी भी रो या कॉलम में या ऊर्ध्वाधर डायरेक्शन में या वर्टिकल डायरेक्शन में आपको एक ना बच जाए, यानी कि क्षैतिज दिशा में या ऊर्ध्वाधर दिशा में एक ना बच जाए। फाइनली हम इसको ऐड करते हैं तो देखेगा कितने हो गए, 12 और 6 18, और 2 कितने हो गए हमारे पास में, 20। तो हमारा राइट आंसर कितना हो गया, वर्गों की संख्या इसके अंदर कितनी आएगी दोस्तों, 20 आएगी। क्लियर। अब एक क्वेश्चन और देखिएगा जिसके अंदर आप देख सकते हैं इसके अंदर बात करें तो हम ऊर्ध्वाधर ब्लॉकों की संख्या आपको ज्यादा मिल सकती है। वन टू थ्री फोर, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि आपके वर्टिकल डायरेक्शन में अगर ब्लॉकों की बात करें तो 4 है, और क्षैतिज डायरेक्शन में अगर हम बात करें तो 1, 2, 3, यहाँ पे 3 है। बट हम लोग ट्रिक को जानते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, नंबरिंग, जो कि हमने कर दी है। नंबरिंग के बाद में हम क्या करते हैं, बड़े से बड़े किसी भी डायरेक्शन का हम बड़े से बड़े जो नंबर है उसको लेते हैं। तो सबसे बड़ा नंबर क्षैतिज डायरेक्शन का 3 है और ऊर्ध्वाधर डायरेक्शन का 4 है। इसको आपस में हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद में हम क्या करते हैं, 1/1 क्या करेंगे, एक एक कम करेंगे। तो 3 में से एक कम करेंगे तो 2, 4 में से हम एक कम करेंगे तो 3, 2 में से हम एक कम करेंगे तो 1, 3 में से हम कम करेंगे 1 तो 2, 3 और 2, 3 गुणा 2 करेंगे 6, 2 गुणा 2 करेंगे, ये फाइनली कितना आ जाएगा, 20। ये जो अभी अपन ने जो आकृति सॉल्व करी थी उसी को रोटेट कर दिया था, ठीक है। तो ये सेम आकृति है, इसका आंसर भी हमारा क्या आएगा, 20 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपको किस तरीके का क्वेश्चन मिल सकता है, आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिल सकता है। इस क्वेश्चन को कीजिएगा आप, फटाफट आंसर दीजिएगा कि दी गई आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है। तो हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करेंगे तो हम सबसे पहले क्षैतिज दिशा में करते हैं तो 1, 2, 3, 4, और ऊर्ध्वाधर दिशा में करते हैं तो 1, 2, 3, 4। दोनों डायरेक्शन में आपके पास में क्या है, समान है। तो अब हम क्या करते हैं,
कि क्षैतिज दिशा में और ऊर्ध्वाधर दिशा में जो बड़े से बड़ा नंबर है उसको लेते हैं, तो हमने ले लिया 4 और 4, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 16। अब क्या करते हैं इसके बाद में हम वन बाई वन क्या करते हैं, एक एक कम करते हुए गुणा करते हुए जाएंगे, तो दोनों तरफ एक एक कम करेंगे तो तीन तीन ये आएगा हमारे पास में 9, फिर से हम एक एक कम करेंगे तो टू टू ये आएगा हमारे पास में 4, और फिर से हम एक एक कम करेंगे तो वन वन ये आएगा हमारे पास में 1। फाइनली अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास में जो वर्गों की संख्या आएगी वो आएगी दोस्तों 13। जिन भी स्टूडेंट का 13 आंसर आ रहा है उन सभी का ये क्वेश्चन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, इसके अंदर आप आंसर कीजिएगा। दोस्तों ये आपकी आकृति है, दी गई आकृति में आप वर्गों की संख्या ज्ञात करनी है आपको, वर्गों की संख्या क्या होगी तो सॉल्व कीजिए। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नंबरिंग। तो नंबरिंग करेंगे तो सबसे पहले हम करेंगे क्षैतिज दिशा में 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसके बाद में हम करेंगे ऊर्ध्वाधर दिशा में 1 2 3। तो आप देख पा रहे होंगे यहां पर कि क्षैतिज दिशा में अगर हम देखें तो हमारे पास में सबसे बड़ा नंबर क्या है, 6, और ऊर्ध्वाधर दिशा में अगर हम देखें तो सबसे बड़ा नंबर है हमारे पास में 3। अब हम क्या करेंगे, दोनों को आपस में क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमारा हो गया 18। अब हम क्या करते हैं इनमें से एक एक कम करते हुए, तब तक कम करते हुए आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तब तक कि किसी का भी या तो क्षैतिज वाले का या ऊर्ध्वाधर वाले का एक ना बच जाए। तो 6 में से एक कम करेंगे 5, 3 में से एक कम करेंगे तो 2, ये हो जाएगा हमारा 10, 5 में से एक कम करेंगे तो 4, 2 में से एक कम करेंगे तो 1, ये हो जाएगा हमारे पास 4। और अब आप देख सकते हो अगर एक में से हम एक कम करते हैं तो 0, जिसका कोई मतलब नहीं है, यहीं पर हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो 18 और 4 22 और 10 32। तो दी गई आकृति में अगर वर्गों की संख्या हम बताएं पाएंगे तो हमारे पास में वर्गों की संख्या होगी दोस्तों 32। तो जिन भी स्टूडेंट का 32 है उन सभी का राइट है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सातवें क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिएगा थोड़ा सा हम अभी क्वेश्चनों का थोड़ा सा लेवल अप करते हैं। देखिएगा ये क्वेश्चन है, ये आरएस मेंस एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। देखिएगा इसमें एग्जामिनर ने किस तरीके से आपको पागल बनाया है। सेम क्वेश्चन है जो कि हम कर चुके हैं, बट इसके अंदर इसकी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है जिससे कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए। तो दोस्तों इसके सॉल्यूशन सेम हम कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन। इसमें ये लाइन जो आपको दिख रही है, ये क्रॉस के रूप में ये लाइन दिख रही है, ये लाइन दोस्तों ओनली ऑन एग्जामिनर के द्वारा आपको कंफ्यूज करने के लिए दी गई है, जबकि इस लाइन का कोई यहां पर मीनिंग नहीं है। तो दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करेंगे तो सेम प्रोसेस, क्षैतिज डायरेक्शन में हम बात करते हैं तो 1 2 3 4, और वर्टिकल या ऊर्ध्वाधर डायरेक्शन में बात करते हैं तो 1 2 3 4। तो हम सबसे इसके बाद में क्या करते हैं, सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप नंबरिंग करते हैं, सेकंड स्टेप में क्षैतिज डायरेक्शन और वर्टिकल डायरेक्शन में बड़े से बड़ा जो नंबर होगा हमारा, इधर 4 है इधर भी 4 है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 16, फिर इसमें से एक कम करेंगे 3, इधर भी एक कम करेंगे 3, ये हो जाएगा हमारा 9, फिर हम फिर से एक कम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4, फिर से हम एक एक कम करेंगे ये हो जाएगा हमारा 1, और फाइनली अगर हम देखें तो हमारा राइट आंसर होगा, दी गई आकृति में अगर वर्गों की संख्या की बात करें तो हमारे पास में राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 30, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा अगला क्वेश्चन है हमारे पास में 8th नंबर का, इसमें देखिएगा एग्जामिनर किस तरीके से आपको कंफ्यूज कर सकता है। देखिएगा क्वेश्चन सेम रहने वाला है दोस्तों, स्ट्रक्चर बदल जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को देखिएगा आप थोड़ा ध्यान से, इस क्वेश्चन में आपको देखिएगा देखने को मिलेगा इसमें कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर दी हुई है, जबकि हम लोग पढ़ के आए हैं या जानते हैं कि ऐसी शेप की जब भी हम बात करें तो दी
अगर ऐसी शेप हमारे पास में आ जाती है तो हमको डायरेक्ट भी पता होता है कि ऐसी आकृति में हमारे पास में जो वर्ग होते हैं वो 5 होते हैं। क्लियर? अगर हम फाइंड आउट करना चाहें तो आसानी से कर सकते हैं। 1 2 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 1 मल्टीप्लाई 1 2 2 4 और 1। फाइनली हमारे पास में कितने आए वर्गों की संख्या? 5 आई। तो हमारे पास में ऐसे कितने वर्ग है? तो ये एक आकृति, ये दूसरी आकृति है, ये तीसरी आकृति है, ये चौथी, ऐसी हमारे पास में 4 आकृति हैं। इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो फाइनली हमारे पास में कितने आ जाएगी वर्गों की संख्या आ गई केस फर्स्ट के अंदर। ठीक है, वर्गों की संख्या हमारे पास में कितनी आ गई? 20। अब हम बडी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं, जो कि बडी से बडी स्ट्रक्चर आपको दी गई है, इसके अंदर आप देखोगे तो इसके अंदर ये शेप के अंदर अगर हम वर्गों की बात करें तो कैसे निकालेंगे? सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे। तो क्षैतिज दिशा में वर्गों की संख्या, क्षैतिज दिशा में ब्लॉकों की संख्या देखिएगा, इनकी नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 और 5। और ऊर्ध्वाधर दिशा में वर्गों की, ये ब्लॉकों की संख्या 1 2 3 4। मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिएगा दोस्तों, इन दिस केस में सबसे बड़े से बड़ा नंबर कौन सा है? क्षैतिज डायरेक्शन में 5 है और ऊर्ध्वाधर डायरेक्शन में हमारे पास में 4 है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 20। फिर हम क्या करेंगे, 1 बाई 1 क्या करेंगे, एक एक कम करते हुए तब तक गुणा करेंगे तब तक किसी भी क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर में एक ना बच जाए। तो 5 में से एक गया तो 4 बचेगा, 4 में से एक गया तो 3 बचेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा। इधर 3 बचेगा, इधर 2 बचेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा। इधर 2 बचेगा, इधर 1 बचेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा। फाइनली दोनों को सबको ऐड करेंगे तो 20 और 10 कितने होते हैं? 30 और 2 32, 32 और 6, 32 और 6 कितने होते हैं? 38, 38 और 2 कितने होते हैं दोस्तों हमारे? 40। तो फाइनली जो ये मेन स्ट्रक्चर था इसका कितना आया? 40। तो हमारे पास में इसका आया 40। और जो ये स्पेशल स्ट्रक्चर इसके अंदर अलग से दी हुई थी, ये छोटी वाली जो केस फर्स्ट में हमने सोल्व करी थी, इसमें वर्गों की संख्या आई 20। इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो ऑल ओवर जो हमारे पास में वर्गों की संख्या है दोस्तों वो होगी 60। जिन भी स्टूडेंट का 60 आंसर आ रहा है वो सभी स्टूडेंट का राइट है। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। इसके अंदर बताइए दोस्तों वर्गों की संख्या, तो अगर हम सॉल्व करेंगे इसको तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो स्पेशल स्ट्रक्चर है हम इसके अंदर पता करेंगे कितने वर्ग हैं। तो स्पेशल स्ट्रक्चर में आप दे सकते हो हमारे पास में 2 हैं, 2 स्ट्रक्चर हमारे पास में ऐसी हैं, हम जानते हैं एक के अंदर 5 होते हैं तो 2 के अंदर कितने हो जाएंगे हमारे पास में? 10 हो जाएंगे। अब हम मेन स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो मेन स्ट्रक्चर में हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4। जब भी हम मेन स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो सबसे पहले क्षैतिज दिशा में बड़े से बड़ा नंबर और ऊर्ध्वाधर दिशा में बड़े से बड़े नंबर दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोनों में से एक एक कम करते हुए मल्टीप्लाई करते हुए तब तक मल्टीप्लाई करेंगे तब तक कि फाइनली एक ना बच जाए। तो हमारे पास में ऑल ओवर अगर इनको जोड़ते हैं तो मेन स्ट्रक्चर में या मेन आकृति में जो वर्गों की संख्या है वो कितनी हो गई? 30। और पहले से हमारे पास में जो स्पेशल जो ये स्ट्रक्चर बनी हुई थी इनके अंदर 2 थी तो दोनों के अंदर, एक में 5 है तो 2 में 10 हो गए। तो अगर हम इसमें 30 में 10 ऐड कर देंगे तो हमारे पास में 14 वर्गों की संख्या आएगी। तो ऑल ओवर जो आकृति है उसके अंदर अगर वर्गों की संख्या पूछे तो आपकी कितनी हो जाएगी? 40 हो जाएगी। तो जिन भी स्टूडेंट का 40 आ रहा है आंसर, वो सभी स्टूडेंट का आंसर सही है। उन सभी स्टूडेंट का आंसर क्या है दोस्तों? सही है। अब देखिएगा एग्जामिनर आपसे और भी किस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10, आपको एग्जामिनर के द्वारा दोस्तों इस तरह के स्पेशली कुछ डॉट दे दिए जाएंगे। और डॉट देकर के आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि दिए गए डॉटों से हम कितने वर्गों का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है,
बताइएगा। तो दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो आप देखिएगा, दिए गए हम डॉटों से हम देखिएगा किस तरीके से हम बनाएंगे। तो दोस्तों अगर हम इन डॉटों को, सभी डॉटों को हम आउटर जितने भी डॉट हैं हम इनको मिला देते हैं, तो आप देखिए, तो एक ये क्या बन गया हमारे पास में, एक वर्ग बन गया। अब अगर हम इसको बीच में से भी इस तरीके से मिला देते हैं तो दोस्तों अब कितने बन गए, अब हमारे पास में एक बन गया था, अब हमारे पास में एक दो तीन चार और बन गए। क्लियर दोस्तों, चार और बन गए हमारे पास में, ठीक है, 1 2 3 4। इसके अलावा अगर हम स्पेशली देखें तो अगर थोड़ा सा हम गौर से देखते हैं तो हमको एक स्ट्रक्चर और दिखाई दे जाएगा इसमें वर्क का, अगर हम इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे मिलाएंगे तो हमको एक वर्ग और मिल जाएगा। तो ऑल ओवर फाइनली इस आकृति से हम 6 वर्गों का निर्माण कर सकते हैं। तो इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा 6 वर्ग हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब दोस्तों यहां तक हमने 10 क्वेश्चन सोल्व किए, 10 क्वेश्चन से बाहर आपके परीक्षा में एग्जामिनर के द्वारा इनसे रिलेटेड ही पूछा जाएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जा सकता। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो कोई भी बुक लेके या प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के आप सोल्व कर सकते हो और उनमें से क्वेश्चन आप 100% आप सटीक इस ट्रिक से आप सोल्व कर पाओगे। बट जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि रियर केस 10% रियर केस में कुछ शेप ऐसी होती हैं जिनमें हम केवल और केवल मैन्युअली तरीके से ही हम पता लगा सकते हैं कि दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। देखिएगा हम उस आकृति की बात कर लेते हैं, तो आपका क्वेश्चन नंबर 11 कैसा हो सकता है, देखिएगा आपको एक इस तरह की आकृति दी जा सकती है। और इस आकृति में आपसे पूछा जाएगा कि दी गई आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ध्यान से आप बताइएगा, ये हमारा क्वेश्चन है। अब दोस्तों हम काउंट करते हैं, देखिएगा इसमें दी गई आकृति में कितने वर्ग हो सकते हैं। देखिएगा सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमको ये क्लियरली दिखाई दे रहे कुछ वर्ग, तो 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 तो हमारे पास में ऐसे वर्ग है जो हमको क्लियरली दिखाई दे पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन में आपकी जो ट्रिक है वो दोस्तों क्या है, कामगार साबित नहीं होती है, इसको हम मैन्युअली तरीके से ही करते हैं या जनरल मेथड से सोल्व करेंगे। तो 6 तो हमको ये दिखाई देंगे, 6 के अलावा अगर हम देखते हैं तो देखिएगा कुछ ऐसी शेप हैं जो हमको दिखाई देंगी, थोड़ा सा गौर से देखने पर देखिएगा 1 2 3 और 4। देखिएगा इसमें आप आसानी से देख सकते हो इसकी, इनकी जितनों जो मैंने काउंट किए हैं आपको, ठीक है, मार्क करके बताएं इसमें इनकी चारों भुजाएं क्या हैं, समान है। तो 1 2 3 4 5 और 6 ये हो गए दोस्तों, 6 ये हो गए। अभी भी दोस्तों आपको कोई दिखाई दे रहा है क्या? तो दोस्तों फाइनली इसके अंदर देखेगा आपको एक और दिखाई देगा, अगर आप देखोगे तो देखेगा ये भी दो वर्गों से मिलकर के ये लाइन बन रही है और इधर भी दो वर्गों से मिलकर के ये लाइन बन रही है। मैं दूसरा कलर सेलेक्ट कर लेता हूं, उससे आपको क्लियरली दिखाई दे जाएगा। देखेगा
थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो एक वर्ग हमको ये दिखाई देगा। तो फाइनली हमको क्या है, एक वर्ग ये रहा। सबको हम अगर ऐड करते हैं तो अब देखिएगा हमारे पास में कितने वर्ग हो जाएंगे, कितने वर्ग हो जाएंगे, छह, छह बारह और एक तेरह। इसके अलावा दोस्तों अगर आप और थोड़ा सा और देखोगे तो एक वर्ग आपको और दिखाई देगा, वो कौन सा है वो हमने ये काउंट नहीं किया, देखिएगा एक वर्ग ये रहा, एक वर्ग ये रहा, ठीक है। तो एक ये रहा, एक ये रहा, छह इसमें है दोस्तों, और छह अभी जो हमने ये वाली स्ट्रक्चर इसमें देखे थे तो छह इसमें थे। तो अगर फाइनली हम ऐड करते हैं सिक्स सिक्स वन वन, ठीक है दोस्तों, छह छह बारह, एक तेरह, एक चौदह। तो ऑल ओवर इस स्ट्रक्चर के अंदर जो हम वर्ग बता पाएंगे तो वर्गों की संख्या जो होगी हमारी होगी वो होगी 14, 14 होगी। दोस्तों इस तरीके से हमने आज की क्लास के अंदर जो काउंटिंग ऑफ फिगर था उसका हमने पहला टॉपिक, वर्गों की संख्या हम किस तरीके से ज्ञात करते हैं, उसके बारे में हमने स्टडी किया दोस्तों। और मैं आशा करता हूँ कि आप जितने भी स्टूडेंट क्लास को देखेंगे तो दोस्तों आपका समझाने का मैंने मेरी तरफ से पूरा एफर्ट किया है और आपको भी समझ में आएगा। अगर दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगे तो आप क्लास को लाइक करें, अगर आपको दोस्तों क्लास अच्छी लगती है तो आप क्लास को क्या करें, लाइक करें दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और अपने फ्रेंड्स को आपस में क्या करें, एक दूसरे को शेयर कर दें जिससे और भी दोस्तों इस टॉपिक को आसानी से समझ पाए। और दोस्तों अगर आप चैनल पे आए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।